मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। आप जो आज वाला प्रैक्टिकल है, जैसे हमने लास्ट टाइम की थी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, आज वाली जो टाइट्रेशन है वो भी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ही है। टाइट्रेशन हमें करनी किसकी है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन एंड EDTA सोल्यूशन की। लास्ट टाइम जो प्रैक्टिकल किया था उसमें हमने मैग्नीशियम सल्फेट वर्सेज EDTA सोल्यूशन यूज किया था। आज मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन के जगह पे हम यूज कर रहे हैं जिंक सल्फेट सोल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं एम क्या है। टू डिटरमिन परसेंटेज प्योरिटी ऑफ गिवन सैंपल ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट का ही फॉर्मूला होता है Zn(SO4) एंड परसेंटेज ऑफ जिंक टू पॉजिटिव आयन। हमें जो है परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन दैट इज Zn(SO4) सॉल्यूशन की, और सेकंड परसेंटेज निकालना है जिंक टू पॉजिटिव आयन, कितने नंबर ऑफ जिंक टू पॉजिटिव आयन जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। प्रोवाइडेड एंड बाय 20 EDTA सॉल्यूशन। EDTA सॉल्यूशन के साथ हम इसकी टाइट्रेशन करेंगे। EDTA का लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला होता है, क्या इसकी फुल फॉर्म होती है, इथाइलीन डाइलीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ओके, 7.19 ग्राम ऑफ विच हैज बीन डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, कि जो EDTA सॉल्यूशन आपको ये गिवन है यहाँ पे वो कौन सा यूज कर रहे हैं, एन बाई 20 EDTA का, और 7.19 ग्राम इतना जो है 1 लीटर सॉल्यूशन में जो है डिसॉल्व किया हुआ है हमने मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, एप्रेटस कौन कौन से रिक्वायर है, ब्यूरेट पीपेट टाइट्रेशन फ्लास्क बीकर मेजिंग सिलेंडर, जो सब हम नॉर्मली यूज करते हैं टाइट्रेशन करने के लिए। अब आगे केमिकल रिक्वायरमेंट, EDTA सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड बफर सॉल्यूशन। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट चेंज इन पीएच, कि अगर हम उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या फिर बेस ऐड कर रहे हैं तो उस सॉल्यूशन के पीएच में कोई भी चेंज नहीं होगा, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। ये आपको पता होना चाहिए, काफी टाइम बाय बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, EDTA सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। EDTA सॉल्यूशन जो हम यूज करेंगे वो कौन सा होगा, एन बाय 20 नॉर्मल का हम EDTA यूज करेंगे, और जिंक सल्फेट की जो नॉर्मेलिटी है वो हमें कैलकुलेट करनी है कि जिंक सल्फेट कितने नॉर्मल का गिवन है। आगे आते हैं केमिकल इक्वेशन। अब देखो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है उससे हमें कौन सा आयन मिलेंगे, Zn(2) पॉजिटिव आयन। EDTA का ये फॉर्मूला है Na2H2, टोटल इसमें जो है आपके पास 4 आयन प्रेजेंट होते हैं, 2 पोजीशन पे हाइड्रोजन और 2 पोजीशन पे सोडियम लगे हुए हैं। जब आपस में दोनों की रिएक्शन होगी, अब देखो जो हम टाइट्रेशन कर रहे हैं वो कौन सी है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, तो इसके अंदर क्या है, आपस में सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये जो बन रहा है ये है वो कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इसको इसीलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड पॉइंट पे जो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है टाइट्रेशन का, वहां पे क्या होगा, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। 2Na पॉजिटिव प्लस 2H पॉजिटिव, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और जिंक जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर देगा इसके साथ, और 2 पोजीशन फ्री होंगी वहां पे ऐसे, तो वहां पे चार्ज आ जाएगा 2 नेगेटिव चार्ज। क्लियर, इंडिकेटर एरिक्रोम लैक्टिक, ये मैंने आपको बताया था ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर होता है, तो हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हैं इसलिए जो हम इंडिकेटर यूज करेंगे वो भी कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर यूज करेंगे। एंड पॉइंट रेड कलर से जो है स्काई ब्लू कलर में, लाइट कलर का जो है ब्लू कलर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, उससे जो है टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। आगे ऑब्जर्वेशन टेबल, सेम वैसे आपको 3 रीडिंग्स लेनी है, इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग। फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग माइनस कर दोगे वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ EDTA सॉल्यूशन यूज, कितना आपने EDTA यूज किया है। इसके बाद हम यहाँ पे कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग कैलकुलेट करते हैं। कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी आपने न्यूमर रीडिंग आ रही है 1+2+3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू, सपोज कर लिया मैंने इसको यहाँ पर आपका वॉल्यूम वी एल। क्लियर, अब आगे बात करते हैं कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन सबसे फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या कैलकुलेट करनी है, नॉर्मेलिटी। टू कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ये जो प्रैक्टिकल है सेम उसी प्रोसीजर के साथ हम फॉलो करेंगे जैसा हमने लास्ट टाइम किया था, कि सबसे पहले आपको पिपेट आउट करना है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, उसमें 1 ml बफर सॉल्यूशन का ऐड करोगे, 2-3 ड्रॉप्स इंडिकेटर डालोगे, देन उसको टाइट्रेट करना स्टार्ट करोगे अगेंस्ट EDTA सॉल्यूशन। स्टार्टिंग में जो आपके पास कलर होगा वो रेड कलर होगा, रेड कलर चेंज हो जाएगा ब्लू कलर में, दैट मींस टाइट्रेशन की है कंप्लीट हो चुकी है, उस टाइम पे जो है हम रीडिंग नोट करेंगे कितना वॉल्यूम EDTA का यूज हुआ है। अब कैलकुलेशन फर्स्ट पॉइंट क्या है, टू कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। सबसे पहले हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, वैसे ही नॉर्मेलिटी इक्वेशन अप्लाई करनी है, N1V1 इक्वल्स टू N2V2, जी हो जाएगा N1V1 जिंक सल्फेट के लिए, N2V2 EDTA सॉल्यूशन। इसकी नॉर्मेलिटी हमें कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम हम कितना यूज करते हैं 10 ml,
टेबल से मिल जाएगी वैल्यू बी एस एल। यहाँ से जो है हमने एन वन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है 20 × 10। यहाँ पे आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी, सपोज कर लो वैल्यू आ गई आपके पास एन, नॉर्मेलिटी जो है जिन सल्फेट सोल्यूशन की। सेकेंड पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करनी है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट भी हम कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इट्स एसिडिटी और बेसिसिटी। एसिड के केस में बेसिसिटी लेते हैं, बेस के केस में एसिडिटी लेते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मेलिटी आपके पास फर्स्ट वाले स्टेप से आ गई एन। इक्विवेलेंट वेट जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का तो मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट करें, जिंक का होता है 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का होता है 16, तो टोटल 4 ऑक्सीजन है वो हो जाएगी 64। तो जो इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 61, और इसके लिए एसिडिटी होती है 2 होती है, तो इसको डिवाइड कर दोगे 2 के साथ, जा जाएगी आपके पास स्ट्रेंथ इसकी, सपोज कर लो ये आ गई आपके पास ए। आगे स्ट्रेंथ ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आए, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वेट, नॉर्मेलिटी है एन। अब यहाँ पे जो आपको वेट चाहिए था वो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का वेट चाहिए था, यहाँ पे आपको सिर्फ वेट चाहिए जिंक 2 पॉजिटिव आयन का। जिंक का वेट होता है 63.5, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे नॉर्मेलिटी के साथ, ये आपके पास आ जाएगी थर्ड स्टेप की कैलकुलेशन, जिसमें हमें क्या कैलकुलेट करना था, स्ट्रेंथ ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन। ओके, सबसे फर्स्ट स्टेप में जो है हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं कि जो हम सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं वो कितने नॉर्मल का है, उसके बाद हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे जो है परसेंटेज प्योरिटी हमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की भी निकालनी है और आयन की भी निकालनी है, तो हमने सेकंड एंड थर्ड स्टेप में एक में स्ट्रेंथ कैलकुलेट की जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की, सेकंड में स्ट्रेंथ कैलकुलेट की जिंक 2 पॉजिटिव आयन की। अब लास्ट में हमें क्या चाहिए, परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी निकाली है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की, आपके पास कितनी स्ट्रेंथ आई है इसकी, ए कितनी स्ट्रेंथ का हम यूज कर रहे थे, 7.19 डिवाइड कर दोगे 7.19 मल्टीप्लाई बाय 100, तो उसे परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सॉल्व करेंगे आ जाएगा, सपोज कर लो इसको 3%। नेक्स्ट स्टेप में क्या चाहिए, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन। अब जिंक 2 पॉजिटिव आयन की स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, बी डिवाइडेड बाय 7.19 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगी इसकी परसेंटेज प्योरिटी 3%। ओके, टोटल हमारे पास 5 स्टेप्स में कैलकुलेशन में, सबसे फर्स्ट स्टेप में नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की, सेकंड स्टेप में स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की, थर्ड में स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे जिंक 2 पॉजिटिव आयन की, फोर्थ में परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ZnSO4 सॉल्यूशन, एंड लास्ट स्टेप में परसेंटेज प्योरिटी ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन। अब आगे रिजल्ट, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन कितनी है 3%, एंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव कितनी है 3%। तो इस तरीके से ये वाला जो प्रैक्टिकल है ये आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे किस चीज का कि हमने ADDA वाला सॉल्यूशन तो हम सेम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, तो इक्वेशन में जो है जहाँ पे हमने Mg2 पॉजिटिव आयन लिखे थे वहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव आयन आ जाएंगे। प्रैक्टिकल का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, लास्ट में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आएगा कैलकुलेशन में कि इक्विवेलेंट वेट इसका डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरीके से परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करोगे वो आपके पास जो है आ जाएगी सॉल्व करके। ओके,